मैं विष्णु रबारी गुजरात यूनिवर्सिटी में सीनियर गार्ड की पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। ईसा स्पॉन्सर्ड एक्सपोजर इमर्सन एंड एक्सेलेंसी टूर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए जो महाराष्ट्र के विभिन्न विश्वविद्यालय का द्वारा जो करवाया वो बहुत ही अच्छा था, अवर्णनीय था। इस प्रवास से, प्रेरणा प्रवास से हम लोगों को काफी कुछ अच्छा एक सीखने का एक वो मिला है। और ये सब विश्वविद्यालय जो थे वो सब अलग अलग प्रकार के थे, जैसे कि जो नासिक स्थित जो यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो एक मुक्त विश्वविद्यालय है, वो देश की सबसे बड़ी और वहां की सारे देश में एक ही ऐसी मुक्त विश्वविद्यालय है जहां पर अपना कृषि विज्ञान केंद्र है। तो ये एक बात हमें जानने को मिली। और वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर जो पर्यावरण को बचाते हुए उन लोगों ने जो लैंड का बहुत सही ढंग से जो उपयोग किया है वो एक अद्भुत था। और हम आए बम्बई में, भारत की सबसे पहली जो महिला विद्यापीठ है SNDT, वहां का भी हमने दौरा किया। वो वहां बीच में है, उनका कैंपस भले ही छोटा हो लेकिन काम 7 राज्यों में चल रहा है, आज भी चल रहा है, मतलब कि ज्यूरिडिक्शन उसका बहुत अलग अलग स्टेट लेवल तक है। और तीसरा, पश्चिम भारत की सबसे पहली यूनिवर्सिटी बम्बई यूनिवर्सिटी का भी हमने दौरा किया, वहां पर भी हमने विजिट किया, वो भी काफी अच्छा रहा। और बाद में हम नरसी मोहन जी गए, वहां पर भी ये वो डिम्ड यूनिवर्सिटी है, वो एकदम कॉरपोरेट लुक था और वहां का जो सिस्टम था वो भी बहुत बढ़िया था। सारा विजिट किया, बहुत कुछ सीखने मिला। हम रूषा और ये UGC HRDC का हम आभारी है, ऐसे टूर करते रहे। वैसे तो हम जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव जो कल्चर है वो थोड़ा बहुत तो मिलता जुलता ही रहता है, लेकिन फिर भी हम सब जगह की परीक्षा पद्धति, प्रवेश प्रक्रिया है और जो परिणाम लक्ष्य जो कामगिरी है वो बहुत नजदीक से देखा। तकनीकी साधनों का बहुत एकदम उपयोग है और मानव श्रम का बहुत कम से कम उपयोग हो ऐसा इन लोगों ने जो सबने किया है वो हमने देखा है सबका। और गुजरात यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर हिमांशु पंड्या और HRDC डायरेक्टर डॉक्टर जगदीश भाई जोशी जी का हम सब आभारी है कि इन लोगों ने ऐसा टूर भारत में, शायद पहली बार गुजरात के तो यूनिवर्सिटी में हो ही रहा है। और इनसे हमारे कर्मचारियों का क्षमता संवर्धन होगा, वो तो होगा ही। थैंक यू।